जी अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जरा देखिए क्या कह रहा है। लेट ए बी, ये आपके पास सेट है रियल नंबर, दोनों एक जैसे हैं, क्या है माइनस वन से लेके वन तक, एंड कंसिडर द सबसेट सी। एक सबसेट दिया हुआ है सी, वो क्या है, वो एक आपके पास ऑर्डर पे है, ठीक है, और वो किस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो ये इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, ये इस तरीके का सबसेट है। अब ये सबसेट समझ में नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली क्या है, ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का एडिशन प्रोडक्ट का ये एक सबसेट है। अच्छा सवाल क्या है, इज दिस सेट अ फंक्शन, ये जो सेट है, ये जो दिया हुआ है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जरा देखिए क्या है, ठीक है, ए आपके पास है और बी, ये दोनों इक्वल है, और वो क्या है, एक्स ये नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। सी आपको भी गिवन है, ठीक है, ये सारा गिवन है, और सी भी आपको गिवन है, वो क्या है, आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, यानी एक सबसेट है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सपोज करिए आपके पास इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, सी जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो सबसे पहले इसको फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स होता है, एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, तो इसको वाई पे कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए आपके पास ए जो होता है, हमारे पास सी होता है ना एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, ये वाली चीज जो होती है वो ए होती है और ये वाली चीज बी होती है। तो मैं ए आपके पास माइनस वन से लेकर वन तक है, तो सपोज करें पहले मैं माइनस वन लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह मैं माइनस वन डाल रहा हूँ, ठीक है, वैन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो आपके पास क्या हो रहा है, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में वन माइनस एच, माइनस वन यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, सर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन आएगा, वन माइनस वन जीरो होता है, जीरो का रूट जीरो ही होता है, तो क्या हुआ, जब आपने एक्स माइनस वन रखा तो जीरो आया। अब इसी तरीके से मैं लिखता हूँ जीरो, वैन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए, जो दूसरा साइड ये आपके पास ए से होता है, ये बी से होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब मैंने ए माइनस वन से लिखा रखा तो जो बी जो था वो भी ए था, और वो बी क्या है, जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आई है, तो जरा देखिए बी भी माइनस वन से वन तक था और जीरो से लाया था। तो चले अब जब मैं एक्स की जगह जीरो रखता हूँ तो क्या होता है, चेक करते हैं, प्लस माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, सो करेंगे तो आपके पास आंसर वन ही बचेगा, रूट का वन, वन का जब रूट लेंगे तो आपके पास दो माइनस वाले दो वैल्यू रहेंगे, प्लस माइनस वन, तो उसको अगर सेट में लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस वन, और एक हो जाएगी जीरो वन। यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाएं, अगर आप गौर से देखें, अगर आपको पता होगा ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जरा लिखा करते हैं, ये ए है, ये बी है, ए में आपके पास समझे तीन नंबर है, माइनस वन जीरो वन, यहाँ पे भी माइनस वन जीरो वन, ठीक है। जब आपने माइनस वन रखा तो बी की वैल्यू भी आई जीरो आई, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जीरो की वैल्यू रखी तो जीरो में दो वैल्यू आई, एक प्लस वन माइनस वन भी आई, प्लस वन भी आई। अगर आप गौर से देखें क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन क्या कहता है कि एक जो है डोमेन की दो इमेजेस हो सकती, नहीं फंक्शन ये तो नहीं कहता, फंक्शन कहता है कि एक डोमेन की जो है यूनिक इमेज होगी, यानी यहाँ पे यूनिक तो नहीं है, यहाँ पे डुअल आ गई, जीरो पे माइनस वन भी है और जीरो पे वन भी है, तो यहाँ पे देयरफॉर सी इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है।